गाइज आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है और आ भी रहा है तो डेली के डेली आपकी वीडियोस पर 15, 20, 30 व्यूज आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएटर होंगे जो काफी टाइम से काम कर रहे होंगे और उन्होंने अपने वीडियोस पर 30, 40, 50 या 100, 150 व्यूज बढ़ा लिया होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी वीडियोज पर व्यूज नहीं आ रहा है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आपने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आपको ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन व्यूज कैसे बढ़ाना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जो चीजें आपको करनी चाहिए वो आप लोग नहीं करते हो, जिसके वजह से आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं बढ़ता है। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैं कैसे अपनी वीडियोस पर व्यूज को बूस्ट करता हूं, वो आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यहां पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, तो मेरी ये एक वीडियो है उसका जो है व्यूज डाउन जा चुका है और इंप्रेशन डाउन जा चुका है और यहां पर ऑडियंस रिटेंशन भी डाउन जा चुका है। और दूसरे में मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इस वीडियोस पर व्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये सेम वीडियो है, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और इसका जो है इंप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ और यहां पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफी सही है, तभी ये जो वीडियो है वो बूस्ट हो पाई है इस तरीके से। तो अब मैंने क्या किया था, इसको मैंने कैसे बूस्ट किया वो आपको समझाने वाला हूं। 5 तरीके जो आपको अपने चैनल पर कभी नहीं करना है, वरना आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है, जब आप वीडियो अपलोड कर देते हो और पूरे दिन में आप जाके बार बार YT स्टूडियो ट्यूब बड़ी ओपन करके देखते हो कि आपकी वीडियोस पर डेली जितना व्यूज आ रहा था उतना ही आता है, 15, 20, 30, 50, 100 इतना ही व्यूज आता है, लेकिन जो ये है वो डाउन हो जाता है आपका सारा का सारा। लेकिन अब यहां पर इसको कैसे सही कर सकते हो, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में करता हूं, वो आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो व्यूज डाउन क्यों जाता है, व्यूज डाउन जाता है आपके थंबनेल के वजह से, ठीक है। अगर आपने अपनी वीडियो आज अपलोड कर दिया है तो उसको 24 से 48 घंटे का टाइम दो और देखो जाकर कि आपकी उस वीडियोस पर व्यूज कितना आ रहा है। अगर आपकी वीडियो काफी ज्यादा आपने अच्छी बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, बढ़िया बनाया है और आपने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है और यहां पर उसके बाद भी आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जो थंबनेल आपने बनाया था उसको हटाओ और एक नया थंबनेल पहले से बेटर अच्छा बनाओ, क्लिक बेट लिखो थंबनेल के अंदर में, जिससे आपकी वीडियोस पर क्लिक कर सके आपके व्यूअर। देखो सबसे बड़ी बात है कि मूवी का जो पोस्टर होता है ना वही मेन होता है, तो ऐसे ही अगर आप अपनी वीडियोस पर व्यूज लेकर आना चाहते हो तो थंबनेल को आपको यहां पर क्लिक बेट करना ही पड़ेगा, जिससे आपकी वीडियो पर क्लिक करे आपके व्यूअर, क्योंकि थंबनेल आपका जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतने तेजी से आपकी वीडियो पर लोग जो है थंबनेल पर क्लिक करेंगे। तो ये आपको पहला करना है। दूसरा, यहां पर आपको एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, और वो व्यूज वाला जो है ना प्रॉब्लम वो आपका तीसरे में तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इंप्रेशन मैंने बता दिया, दूसरा है एवरेज व्यू ड्यूरेशन जिसे कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। अगर सपोज आपने 5 मिनट की वीडियो बनाया है और आपने यहां पर 5 मिनट के अंदर में कुछ भी सही से बताया नहीं है, या फिर आपने जो बताया है वो 2 मिनट के अंदर में बता दिया लेकिन 3 मिनट आपने एक्स्ट्रा बताया वीडियो के अंदर में, तो यहां पर आपके व्यूअर वो 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड आपकी वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन जिसे कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन वो डाउन हो जाएगा। तो हमेशा इतना याद रखना है कि अगर आप अपनी वीडियोस पर व्यूज को बढ़ाना चाहते हो तेजी से, तो आपको अपनी वीडियो का जो इंप्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए आपको ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप थंबनेल अच्छा बना लोगे लेकिन आपकी वीडियो सही नहीं रही ना, तो आपकी वो वीडियो रुक जाएगी। आपकी वीडियो पर अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी कि ऑडियंस रिटेंशन नहीं आया तो वो वीडियो रुक जाएगी। तो आपको अपनी जो भी वीडियो बनाते हो वो उतना ही बनाओ जितना आप इंफॉर्मेशन देते हो, उससे ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5 मिनट की वीडियो बनाया, 5 मिनट आपने बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी अपनी वीडियो के अंदर में, और आपका जो व्यूअर है वो 60% 70% आपकी वीडियो देख लेते हैं और आपका जो है यहां पर इंप्रेशन भी काफी सही है, लेकिन यहां पर 60-70% देख लेते हैं तो आपकी वीडियो का इंप्रेशन काफी लोगों तक भेजता है यूट्यूब, और उसके बाद आपकी वीडियो को ब्राउज फीचर में भी भेजता है यूट्यूब, जिससे आपकी वीडियोस पर व्यूज काफी ज्यादा आता है। और एक बार आपकी वीडियो को यूट्यूब ने ब्राउज फीचर में भेज दिया तो यहां पर आपकी वीडियोस पर व्यूज इंक्रीज काफी तेजी से होने लगेंगे, और यही चीज मैं डेली फॉलो करता हूं 24 से 48 घंटे के बाद। अगर लगता है कि मेरी वीडियोस पर 100-150 व्यूज आया लेकिन मुझे पता है
कि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मैं आप पर क्या करूँगा, उस वीडियो का SEO दोबारा से करूँगा, उस वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही से लिखूँगा, थंबनेल को पहले से बेटर बनाऊँगा, और अगर यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन सही नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में काफ़ी फालतू बोल दिया है, तो उसको आप ट्रिम भी कर सकते हो। यूट्यूब पर डाल के देखना कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो कैसे एडिट करें, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिससे आप अपलोड कर चुके हो वीडियो को भी आप एडिट करके ट्रिम कर सकते हो। तो और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप डालोगे अपने चैनल पर, वहाँ पर हमेशा याद रखना कि आप अपनी वीडियो को छोटा बनाओ, और छोटा बनाओ तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पूरा दो, पूरा अगर इन्फॉर्मेशन देते हो तो 100% आपकी वो वीडियो वायरल हो जाएगी और आपकी वीडियोस पर व्यूज दबा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ जो है ऑडियंस रिटेंशन और इंप्रेशन, दोनों चीज़ें अगर आपकी सही है तो आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ इंक्रीज तेज़ी से होगा। अब बात करते हैं कि क्या ध्यान देना है आपको जब आप वीडियो बनाते हो। देखो गाइस, आप वीडियो बना रहे हो, अगर आपको वीडियो सही लगती है कि हाँ आपने काफ़ी सही वीडियो बनाया है तो आपको ये सारा काम करना है, लेकिन अगर आपने लगता है कि आपने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बोर किया है ऑडियंस को अपने, तो उस वीडियो को डिलीट मार दो अपने चैनल से, क्योंकि उस पर आगे व्यूज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपनी वही वीडियो रखो जिसमें आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, सही इन्फॉर्मेशन दिया है, और काफ़ी व्यूअर को आपकी वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। दूसरी चीज़, आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है और आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक की ज़रूरत है। आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर डेली वीडियो बनाओ, बहुत सारी ट्रेंडिंग टॉपिक मिलती है, आप उस पर वीडियो बना सकते हो, और किसी भी कैटेगरी का चैनल हो उससे मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, तो वही आपके चैनल पर सब्सक्राइबर व्यूज़ की बाढ़ ला सकती है, इतना याद रखना, ये आपको करना ही है। उसके बाद यहां पर आपको मिक्स कंटेंट कभी भी अपने चैनल पर नहीं डालना है। बहुत सारे क्रिएटर मिक्स कंटेंट डालते हैं जिसके वजह से उनके चैनल पर दिक्कत आती है और आगे जाके उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता और सब्सक्राइबर जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। और यहां पर मेन जो प्रॉब्लम है वो नए क्रिएटर्स के साथ में, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रेगुलर काम करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद वो यहाँ पर 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन का गैप ले लेते हैं अपने चैनल पर, जिससे उनकी वीडियोस पर व्यूज़ जो पहले आ रहे थे वो भी नहीं आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, रेगुलर अपने चैनल पर अपनी वीडियो को डालते रहना, बेस्ट वीडियो देना है, और अपनी वीडियोस पर ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना चाहते हो तो मेन चीज़ जो भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो वीडियो की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से आपकी वीडियो की स्टार्टिंग होनी चाहिए। और आपको हमेशा इतना याद रखना है कि आपको कुछ यूनिक बताना है अपनी वीडियो में। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग बताओगे तो आपकी वीडियोस पर जो भी क्लिक करेगा ना, वो आपकी वीडियो को देख कर जाएगा, और जब देख कर जाएगा तो आपकी वीडियो का इंप्रेशन भी बढ़ेगा और आपकी वीडियोस पर जो एवरेज वो ड्यूरेशन चाहिए वो भी बढ़ेगा, और वो दोनों बढ़ेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी। और ऐसी मेरी कई वीडियो वायरल हुई है, जाके आप लोग देख सकते हैं चैनल मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो। तो इसी तरीके से आपको सारा काम करना जो कि मैंने बता दिया है। यहां पर रेगुलर रहना जरूरी है, अपना दिमाग लगाना है, अपने वीडियोस पर एक्सपेरिमेंट करना है, और यहां पर जब वीडियो को अपलोड कर देते हो और जो भी टॉप यूट्यूब सर्च टर्म में जो टैग्स दिखाते हैं उसको आपको अपने वीडियो में टाइटल में भी लगाना है और टैग वाले सेक्शन में भी लगाना है और डिस्क्रिप्शन में भी लगाना है। ये आपको हर 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे बाद करना है, जिससे आपकी वीडियोज पर व्यूज बढ़ते रहे और यूट्यूब इंप्रेशन जो आपकी वीडियोज का बढ़ाते रहे। तो ये सारा काम आपको करना ही है, जो कि मैं डेली करता हूं अपनी वीडियोस में। तो आप ये करना, आपकी वीडियोस पर व्यूज बूस्ट होने लगेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके खुद ही बताओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।